सब भाइयों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो हमारी बहुत ही मज़ेदार होने जा रही है। आज की वीडियो में हम ये बताएंगे कि 40 इंच की LED की बैक लाइट कैसे चेंज होंगी, तो आपको चेंज करने का तरीका बताते हैं। और पहली वीडियो में भी आपको मैंने बताया था, वो 32 इंच की LED थी, तो अभी ये 40 इंच की है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मेरी पहली वीडियो को लाइक किया, शेयर किया और कमेंट्स किए, बहुत बहुत अच्छे, शुक्रिया। ये LED है, ठीक है जी, ये 40 इंच की LED है और ये इसका मॉडल है LE40L6981FHD। ओरिएंट की LED है, बहुत अच्छा ब्रांड है ये ओरिएंट, तो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, कोई मसला आ जाता है। अब हम इसका बैक कवर ओपन करेंगे। LED का बैक कवर हमने उतार दिया और ये LED का बोर्ड है, ठीक है जी। ये चैनल का हिस्सा है, ये सप्लाई है इसकी, और ये जो LED इसकी बंद है, ये उसकी ये जैक है, ये तो ये सारा सर्किट है। इधर हम LED चेक करेंगे जैक उतार कर के, यही मसला है, LED का मसला है या बोर्ड का मसला है। बाज़ कात हो जाता है कि इस बोर्ड में यहाँ से वोल्ट नहीं आते, वोल्ट बंद हो जाते हैं, उनकी वजह ये रेगुलेटर हो सकता है, बाज़ कात ये कैपेसिटर वीक हो सकते हैं, ये वाले ये कैपेसिटर्स वीक हो सकते हैं। ये LEDs चेक करने का मीटर, हम LEDs चेक करेंगे कि सारी स्ट्रिपें बंद हैं, LED स्ट्रिप, ये LED स्ट्रिप का जैक है, ये जोन से अंदर स्ट्रिपें लगी हुई हैं LEDs, ये उनकी नेगेटिव है, ये वाइट तार जो सी है, ये जो सी रेड है वो ये पॉजिटिव है, ठीक है। ये हम ये चेक करेंगे, नहीं बता रहा, ये दूसरी स्ट्रिप ये भी नहीं शो हो रही, ये तीसरी स्ट्रिप ये भी नहीं शो हो रही, ये चौथी स्ट्रिप, हाँ इसके अंदर चार स्ट्रिपें लगी हुई हैं, चारों स्ट्रिपें बंद हैं, हाँ जी चारों LEDs बंद हैं। तो इसका मतलब है कि LEDs इसकी यानी कि बैक LEDs वो बंद हो गई हैं, ख़राब हो गई हैं, वो अब हम चेंज करेंगे। तो बेहतर यही होता है कि LEDs जो सी है वो नई बंदा लगाए, इसकी अपनी जो सी एक्सपायर हो गई है, एक्सपायर हो गई हैं, कई मकैनिक इन्हीं स्टिपों को ठीक कर देते हैं पर उसका फ़ायदा नहीं होता, कस्टमर से पैसे भी ले लें और वो उसी को रिपेयर करके चला दें, वो 2-3 माह से ज़्यादा नहीं चलती, उसका कोई गारंटी कोई नहीं होती। तो बेहतर यही है कि स्टिपें नई इसको डाली जाएं, तो फिर वो साला साल चल जाती है, कस्टमर भी खुश हो जाता है ना। पुरानी को ना रिपेयर कीजिए क्योंकि वो तो एक्सपायर होगी, एक को रिपेयर कर देंगे तो फिर दूसरे दिन तीसरे दिन हफ्ते बाद दूसरी स्ट्रिप बंद हो जाएगी। तो हम अब इसको खोलेंगे, सारा स्टिपें चेंज इसके निकालेंगे, चलो उतार लें। ये मेन सप्लाई की तार है, ये हमने ये उतार दी, ठीक है। उसके बाद ये पैनल का जैक है, इसको हम उतारेंगे, बड़ी एहतियात से उतारेंगे। ये टी कौन है,
इसको उतारते हुए ये टी कोन को दबाओ या कोई खींचना पड़ जाए। ये ब्लेड के साथ ये पीछे फोम लगा हुआ है, ये टी कोन का फोम है, ये पैनल का टी कोन है, ये फोम लगा, इसको हम उखेड़ देंगे ब्लेड के साथ। इसको ये फ्रेम से लग करेंगे, ये ऐसे ये लॉक है, इसको लॉक से फ्री कर लें। इसको अब सीढ़ी को हम ऐसे उल्टाएंगे क्योंकि ये फ्रेम उतार सके और पैनल उतार सके, ठीक है। इस तरीके से बहुत एहतियात से सीधी कर ली, ठीक है ना। अब ये हम उतारेंगे इसको, ठीक है। ये फ्रेम है एलईडी का, बहुत एहतियात से उतारेंगे। फ्रेम उतार ली, ये इसको ऐसे हमने लगा दिए। ये पैनल है, इसको हम बड़ी एहतियात से उठाएंगे। ये टी कोन है, बस ये कोशिश करें टी कोन को कोई नुकसान ना हो जाए, बहुत एहतियात से, ठीक है। इसको बहुत एहतियात से उठाएंगे, क्योंकि ये भी हमने ये पैनल उतार लिया, पैनल हमने उतार लिया बहुत एहतियात से, इसकी बहुत एहतियात है, इसमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हम ये उतारेंगे। ये पैनल के बैकग्राउंड पेपर है और नीचे शीट है, इसको बड़े एहतियात से उतारना है। पैनल की इसकी बैकग्राउंड पेपर से उतार ली, ये एलईडीज है, ये पैनल हमने उतार लिया, ये सारा बैकग्राउंड एलईडी टीवी की बैकग्राउंड ये आ गई, ये सारी ये लाइटें लगी हुई हैं, ये सब लाइटें लगी हुई हैं। ये ओपन हो गया सारा, ये 40 इंच की एलईडी, इसको हमने ओपन कर लिया,
ठीक है जी। ये अब इसको हम उतारेंगे, ये स्क्रू लगे हुए हैं और ये भी LEDs जो सी है ना, ये एक्सपायर हो गई हैं। एक्सपायर होने की वजह से ये डिसकनेक्ट हो गई हैं। ये कनेक्टिंग जैक है, इसको हमने उतार दिया। चलो प्ले करो। करती हूँ। अब इसका हम वाइट पेपर बैग वो लगा लें। ये हमने LEDs स्ट्रिपें फिट कर दी हैं बैक लाइट की, ये हम चेक करेंगे। देखें जी बेहतरीन हो गई, ऑन हो गई LEDs। हम इसकी बैक शीटें लगाएंगे, ये बहुत एहतियात से ये देखें, ये लॉक ये, और इस फ्रेम में भी ये लॉक है, इसके बीच में ये स्ट्रिप लगनी चाहिए। बहुत ही एहतियात से आपने उठाना है। टीकॉन को बहुत एहतियात से आपने, ये कोफ है, इनको नुकसान ना पहुंचे। पैनल को हम बैलेंस करेंगे। यहाँ बहुत एहतियात की ज़रूरत है, यहाँ मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। हमने बहुत अच्छे से चेक कर लिया, बिल्कुल पैनल ठीक बैठ गया अपनी जगह पे।
अब इसका हम फ्रंट डायल बैठा देंगे। अब हम इसको उल्टा करेंगे, बहुत है प्रयास। ये टी कोन है, टी कोन को अच्छे से समाध लगा लें। ये टी कोन का जैक, इसको बड़ा एहतियात से लगाएंगे कि टी कोन को जोर ना पड़े, बहुत ही एहतियात से। ये फ्रंट डायल के स्क्रू हैं, ये हमें लगाने हैं जरूर। इसको फ्रंट भी बिठा लिया, सारा कुछ पैनल भी बिठा लिया। दो सर जनाब, आज की वीडियो हमारी कंप्लीट हुई, बत्तीस इंच की एलईडी ओरेंज की मुकम्मल हो गई।